जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज हैं, उनसे आप यदि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना होता है, या फिर आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं जो आपके सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, यानी कि जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसमें आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट थी वो दो बार निकल चुकी है, लेकिन अब उसको फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब कब तक बढ़ा दिया गया है, कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, जो पॉलिटेक्निक का हमारा एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो 15 जुलाई थी, लेकिन अब उसको फिर से एक बार बढ़ाकर अब कर दिया गया है आपका 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई तक आप अपना पॉलिटेक्निक के लिए, यानी कि जो पॉलिटेक्निक के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूरी छूट दी गई है। अब उसमें जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से जो डी फार्मा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपका 25 तारीख तक वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं, जब वो अपना फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर उनको ग्रुप ई सेलेक्ट करना होता है। यानी कि जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करें तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहां पर जो उनको सेलेक्ट करना होगा, ग्रुप ई सेलेक्ट करना होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर जाकर करना है, कहां पर आपको एंट्रेंस फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए आपको जाना है JEE CUP.NIC.IN। तो यहां पर जाकर आप अपना पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। यदि अभी भी आपको पॉलिटेक्निक को लेकर कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।